नमस्कार दोस्तों, मैं इजहार अंसारी श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया गया और जो शिक्षक दिवस मनाया गया, मैं उसी को मौजू मना करके, उसी को विषय वस्तु मान करके कुछ आपके बीच डिस्कशन करने वाला हूँ जो ज़रूरी है। तो आज देश के दूसरे राष्ट्रपति और तथाकथित, जिसको हम दार्शनिक कहते हैं, तथाकथित शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है इसके पीछे ये भी आपको जानना जरूरी है। तो तथाकथित शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको आपको जानना होगा। तो आज देश के दूसरे राष्ट्रपति और तथाकथित दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस है। हर साल ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और आप और हम सभी लोग क्या है, स्कूलों में शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो हमको इसके बारे में जो है बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए कि आखिर हम क्यों मनाते हैं और मनाने के पीछे हमारे जो कारण क्या है, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो हम 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन क्या आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सच्चाई जानते हैं? कहने का मौजू जो हमारा कारण जो है वो इस ये है कि हमारा जो बहुजन समाज है, जो OBC या SC ST समाज है, वो एजेंडे में फंसा हुआ है और उसको जो अपने ऐतिहासिक पुरुषों की जानकारी नहीं है, जो उसको मनुवाद या ब्राह्मणवाद के द्वारा परोस दिया जाता है, उसी को वो सच मान लेते हैं। अभी गणेश चतुर्थी मनाई गई, लेकिन क्यों मनाई जाती है, उसमें किस बहुजन नायक को ख़त्म किया गया, किसको इसकी आग में इस खेल के चक्कर में किसका जो है उसको नाश किया गया, लेकिन हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आज आया हूँ ताकि जो आपके बीच मैं लंबी बहस करूँगा, छोटी मोटी बहस नहीं करूँगा, क्योंकि मुद्दा ही कुछ इतना ख़राब है जिसको जानना ज़रूरी है कि आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में आप देखे होंगे तमिल में कि मैंने उसको चोर कहा। तो चोर क्यों कहा यह जानना ज़रूरी है। अगर चोर जो शब्द इस्तेमाल किया गया, कोई नॉर्मली कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जो जानकार व्यक्ति है वही इस्तेमाल कर सकता है, अन्यथा स्कूलों में देखते हैं राग अलापा जाता है सुबह से शाम तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ब्राह्मणवाद का शिकंजा इस तरह से लोगों के जहन में डाल दिया गया है कि लोग समझ में ही नहीं आ रहा है लोगों को। तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हर साल हम जो शिक्षक दिवस मनाते हैं उसकी पीछे की हकीकत क्या है। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने ही छात्र यदुनाथ सिन्हा के जो थेसिस है PhD डिग्री की, उसको कॉपी करके किताब का रूप दिया था, नकल की थी पूरे पूरी, वो भी 100%, ये तो कोर्ट द्वारा प्रमाणित है। लेकिन हम और आप जैसे जो लोग हैं, जो समाज में बैठे हुए हैं और जो केवल TV के प्रोपेगेंडा में और मनुवाद के प्रोपेगेंडा में फंसे हुए हैं, उनको अब कौन समझाए। लेकिन बहुजन समाज धीरे धीरे कुछ समझदार हो रहा है, जाग रहा है और इसको जानना ज़रूरी है। तो हम चलिए आज हम उसी मुद्दे को लेकर के चलते हैं और उसी पर हम बहस करते हैं कि आखिर मैंने उनको थेसिस एक साहित्यिक चोर क्यों कहा। क्या वो इस लायक थे कि शिक्षक दिवस उसके नाम पर मनाया जाए? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिस बात के लिए प्रसिद्ध हुए उसको भी जानना ज़रूरी है। तो वो है 1923 में उनकी जो किताब प्रकाशित हुई थी, भारतीय दर्शन, तो उस किताब को लेकर के वो प्रसिद्ध हुए थे। लेकिन विवाद ये है कि इस पुस्तक को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा ही नहीं था, बल्कि ये किताब जो है चोरी की गई थी। जब अगर लिखी हुई होती तो संभवतः उस पर कोई बहस नहीं होती, ये बात जो है कलकत्ता के कोर्ट में नहीं चलती। लेकिन क्या है, यह बात कोर्ट में चली और कोर्ट में इसको लेकर के लंबी बहस हुई, बाद में मान मनोबल होती है अलग बात है, लेकिन कोर्ट गई थी यह बात जो है, इसके एविडेंस मौजूद हैं,
आप जानने की कोशिश करोगे तभी आपको मिलेंगे, नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये जो मैं बता रहा था कि उस वक्त डॉक्टर राधा कृष्णन जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और शोध का उनका जो छात्र था, एक शोधकर्ता छात्र यदुनाथ सिन्हा ने उन पर साहित्यिक चोरी या थेसिस की चोरी का आरोप लगाया था। मामला यह था कि पीएचडी डिग्री के लिए भारतीय दर्शन शास्त्र दर्शन नामक शोध को 1921 ईस्वी में उनके जो स्टूडेंट थे यदुनाथ सिन्हा, उन्होंने अपने तीन प्रेक्षकों डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा जो प्रेक्षक थे डॉक्टर बजेंद्रनाथ सिंह, और तीसरा जो प्रेक्षक थे डॉक्टर बी एन सील के सामने रखा था। और इसके बाद वो अपनी पीएचडी डिग्री का इंतज़ार करने लगे कि उनकी पीएचडी डिग्री कब मिलेगी। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन लगातार क्या है, उनकी थीसिस को पास करने में लगभग 2 साल लगा दिए। अब सोचिए कि जो ब्राह्मणवाद होता है, मनुवाद होता है, उसकी जो मानसिकता कितनी घटिया होती है, खासकर ओबीसी और एससी एसटी समुदाय को लेकर के, कि उसने एक ओबीसी छात्र जो था सिन्हा जी, यदुनाथ सिन्हा, उनकी जो पीएचडी की जो थेसिस थी उसको पास करने में 2 साल लगा दिए। और जब इसी बीच डॉक्टर राधाकृष्णन ने आनंद फानन ने इस थेसिस को लंदन से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा लिया, और जब लंदन से ये किताब प्रकाशित होकर के भारतीय बाज़ारों में पहुंची, तो यदुनाथ सिन्हा, जिन्होंने ये पीएचडी डिग्री के लिए अपनी थेसिस लिखी थी और जिन्होंने उन्होंने इस किताब को पढ़ा, तो वे ठगे से रह गए। उन्हें लगा जैसे उन्हें ठग लिया गया हो उनके शिक्षकों के द्वारा, उनके अभिभावकों के द्वारा, उनके जो गुरुओं के द्वारा। बाद में यदुनाथ सिन्हा ने इस किताब को लेकर के जब पूरी नकल उसकी पूरी किताब पढ़ी और अपने थेसिस से मैच किया, तो उनकी थेसिस और वो किताब जो है 100% मैच कर गई। और मैच करने के बाद उनको बहुत गहरा आघात लगा। ऑल इंडिया रेडियो के संस्थापक एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर महेंद्र यादव भी अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन के किताब के अध्याय पूरे के पूरे अध्याय जो हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन के किताब के पूरे अध्याय थेसिस से मैच करते हैं, थेसिस से पूरे पूरे मिलते हैं। तो हम इस बात को लेकर के हम उसको भारतीय दर्शन का लेखक नहीं कर सकते हैं, बल्कि चोर ही कहेंगे, क्योंकि जब किसी की थेसिस किसी के द्वारा लिखी गई, जो पीएचडी के लिए जो थेसिस लिखी जाती है उसकी नकल पूरा पूरी किसी किताब में मिल जाए, तो उसको किताब का लेखक तो नहीं कर सकते 2 साल बाद जो जिसने लिखा हो। तो पूरे पूरी जब मौजूद है थेसिस की पूरी जो वस्तु स्थिति थी वो पूरी पूरी मैच कर गई उस किताब से। तो उन्होंने जब इसके लिए बात की कि डॉक्टर सिन्हा ने, यदुनाथ सिन्हा ने जब अपने गुरु, जो उनके गुरु थे डॉक्टर राधा कृष्णन, उनसे पूछा कि आखिर अगर आपकी जो किताब थी और मेरी जो थेसिस है, अगर आपने ये खुद लिखी है तो 100% मैच कैसे करती है, तो उनका जवाब था कि जो किताब है और मेरी जो किताब है और तुम्हारी जो थेसिस है उसकी जो विषय वस्तु है बिल्कुल एक ही है, और सामग्री जो है लेखन सामग्री जो इस्तेमाल किया बिल्कुल दोनों एक ही, इसीलिए शायद क्या पूरे पूरे मैच कर जाती है। लेकिन यह जो बात है हजम नहीं होती किसी को कि कोई भी चीज़ मैच कर जाए और लोग यूँ ही किसी की बातों पर विश्वास कर लें। तो इस बात पर फिर बाद में बहुत मत्था पेची हुई। डॉक्टर राधा कृष्णन की थेसिस जो है, डॉक्टर राधा कृष्णन ये नहीं साबित कर पाए कि उनकी जो किताब है, उनके जो चेला था गुरु स्टूडेंट्स जो थे यदुनाथ सिन्हा, उनकी थेसिस से बिल्कुल अलग हो। वो
कोर्ट में प्रमाणित ही नहीं कर पाए, साबित ही नहीं कर पाए। उस दौरान यदुनाथ सिन्हा ने कोर्ट में केस किया और 20,000 के हर्जाने की मांग की, तो राधा कृष्णन ने उन पर उल्टा मानहानि का केस दायर किया और 1,00,000 रुपये के हर्जाने की मांग की। लेकिन जब कोर्ट में केस चला गया और कोर्ट में केस जाने के बाद यह मुद्दा जब गर्मा गया, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं, वो ब्राह्मण समुदाय के थे, मनुवादी विचारधारा के थे, मनुवादी ही थे, इसलिए उनका जो केस था हाई प्रोफाइल बन गया और जाने माने हस्ती भी थे। भले ही उनको लैंग्वेज की कोई जानकार नहीं हो, उनकी संस्कृत हो या बांग्ला हो बिल्कुल ढीली हो, भले उनको जब कोलकाता यूनिवर्सिटी में आए थे तो उनके छात्रों के सामने मुंह खोल नहीं पाते थे, शर्मसार होना पड़ता था, लेकिन जो हमको बताया जाता है, हमको जो समझाया जाता है, वो चीज़ कहीं से भी ये नहीं लगता है कि उनकी जो लिखी थे, उनकी जो किताब है भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन उन्होंने लिखा हो, क्योंकि भारतीय दर्शन जो किताब लिखी गई है बिल्कुल अंग्रेज़ी में है, उनकी अंग्रेज़ी पर पकड़ बहुत कमज़ोर थी, अंग्रेज़ी की जानकारी उनकी बहुत लो थी, और लो जानकारी वाला व्यक्ति कभी भी इस तरह के थेसिस नहीं लिख सकता है। बाद में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोर्ट के बाहर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उनके जो छात्र थे यदुनाथ सिन्हा, उनके बीच में रजामंदी कराई और 10,000 में जो डील्स थी केस को ख़त्म करने के लिए मना लिया, और इसके लिए घूस के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको भारतीय जनसंघ का संस्थापक माना जाता है और बीजेपी उसी से पैदा हुई है, जिसके संस्थापक ही चोर रहे हों तो वह पार्टी कैसी रही होगी, विरासत जिनकी इतनी गंदी हो तो आने वाली पीढ़ियां भी वैसे ही होंगी। तो ये याद रखिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस दौर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से उस केस को जैसे तैसे समटने के लिए, जिस तरह किसी भी तरह से उस केस को ख़त्म करवाने के लिए 5,000 रुपये घूस दिए थे बतौर, और डॉक्टर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऑल इंडिया रेडियो के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर महेंद्र यादव कहते हैं कि उनकी भाषा पर जो पकड़ है, अपने ब्लॉग में वो लिखते हैं कि खासकर अंग्रेजी और संस्कृत और बांग्ला उनकी इतनी घटिया स्तर की थी कि जिस भी पत्रिका में अपने लेख को लिख करके भेजते थे वहाँ पर उनके लेख को फेंक दिया जाता था। यह कहकर कहा जाता था कि इनकी भाषा जो है बहुत ही घटिया स्तर की है, बहुत ही निम्न स्तर की है, और इतनी निम्न स्तर के हमारा प्रेस नहीं है कि इतनी घटिया स्तर के लेखक के हम पठन पाठन सामग्री को हम अपने यहाँ जगह दे पाए। तो उनका यह जो पत्र है, यह पत्र भी साबित करता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो केस था थेसिस चोरी का, वो कोर्ट में गया था। और दूसरी फॉरवर्ड प्रेस जो है, तो फॉरवर्ड प्रेस का जो लेखक हैं, उसके संस्थापक हैं गौतम राणे, वो कहते हैं कि जब 1921 में मैसूर से कोलकाता उनको कार्यभार दिया गया, तो कार्यभार संभालने के बाद जब वो कलकत्ता आने के बाद उनकी दक्षता पर, उनकी सोच पर, उनके ज्ञान पर, उनकी प्रतिभा पर उंगलियां उठाई जा रही थी, और ये उंगलियां उठाने वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स थे कोलकाता के, उन्होंने उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए थे कि उन आरोपों पर आज अगर रिसर्च किया जाए तो इस व्यक्ति को हम एक सड़क छाप आदमी के रूप में ही कहेंगे। भले ही उन्होंने PhD कर ली हो, किसी तरह डॉक्टरेट की उपाधि थी, लेकिन उनकी जब अंग्रेजी पर पकड़ इतनी गंदा थी कि कॉलेज के स्टूडेंटों के बीच उनको मुंह छुपा करके भागना पड़ता था, बांग्ला में पकड़ इतनी ख़राब थी, संस्कृत में पकड़ इतनी ख़राब थी कि वैसे व्यक्ति को खासकर भारतीय दर्शन का जनक मानना, लेखक मानना, ये कतई शोभा नहीं देता है। और जब
वे अपने स्टूडेंटों के सामने जाते थे तो उनको शर्मिंदा होना पड़ता था। कारण ये थी कि उनकी मैंने अभी ही बता दिया कि उनकी जो साहित्यिक जो चोरी जो है वो पकड़ी जा रही थी कहीं ना कहीं तौर पर, वो किताबों के तौर पे कोर्ट के द्वारा नहीं पकड़े जा रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स के सामने जब उनकी पोल पट्टी खुल जाती थी, खासकर अंग्रेजी की जानकारी को लेकर के, संस्कृत की जानकारी को लेकर के, लैंग्वेज को जानकारी को लेकर के, तो स्टूडेंट्स भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होते थे कि आखिर जो ये व्यक्ति है ये किस प्रकार भारतीय दर्शन का एक लेखक हो सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर, जिसको हम अपने भारत का संविधान निर्माता कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, अगर उन्होंने संविधान नहीं लिखा होता तो आज हम अनुवाद के उस नकेल में फंसे हुए थे होते, जहाँ से हमारा समाज सिवाय दमन चक्र के और कुछ नहीं हो पाता, और हमारा समाज भी दमन चक्र में इसी में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब जाति का विनाश, ये याद रखिए, जब मैं जिस किताब का जिक्र कर रहा हूँ, अगर सर्च करना हो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, या तो आपको बुक्स मिलती है तो बुक्स आपको अवेलेबल अगर होती है तो पढ़िएगा किताब में, आपको डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है और उंगलियां उठाई हैं, यूँ नहीं उठाई है, उंगलियां उठाने के वाजिब कारण है उनके पास। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब जाति का विनाश ने लिखा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनको हम दार्शनिक कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिसको हम दार्शनिक की श्रेणी में रख सकते हैं। उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो उस दौर के सबसे पढ़े लिखे शख्स थे, उन्होंने अपनी किताब में इसका जब जिक्र किया है, तो याद रखिए कि आज हम किस कुचक्र में फंसे हुए हैं, किस जाल में फंसे हुए हैं कि हम जान करके भी अपने आप को अनजान बनाए हुए हैं। और जिस व्यक्ति पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा हो, हम उसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाएं, तो ये याद रखिए सरासर हम शिक्षकों का शिक्षक दिवस के नाम पर हम एक बहुत बड़ी हरामखोरी, और हमको जो गलत जो इतिहास क्रम दिखाया जा रहा है मनुवाद के द्वारा, मनुवादी इतिहासकारों के द्वारा जो गलत इतिहास का प्रोपेगेंडा हमारे सामने रखा गया है, वो इस परवस्ता है, और इसको हमको जानना पड़ेगा कि हमारे जो बहुजन नायक थे सावित्री बाई फुले हो, चाहे फातिमा शेख हो, बाबू जगजीवन राम हो, तो हमको उन लोगों के कथनों पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुजन नायक जो थे उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। खासकर सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख की जो कुर्बानियाँ इस देश के लिए हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं आजीवन, शायद ही कोई मनुवादी दे सके और कर सके, क्योंकि मनुवादी इतिहासकारों ने हमारे बहुजन नायकों को जिस प्रकार खलनायक बनाया, और हमने उसको खलनायक समझ करके उसके बारे में जानने की चेष्टा नहीं की, ये हमारी सबसे बड़ी विड़म्बना है कि हमने अपने इतिहास को अपने हाथों से बर्बाद किया, हमने उसको जानने का प्रयास नहीं किया कि क्या सच है क्या गलत है। अगर हमने उसको जानने का प्रयास किया हुआ था तो शायद आज जो हम गलत परंपराओं की और हम गलत तौर तरीकों को अपना रहे हैं, गलत जो जानकारियां हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय हम उस पर पहल करते, उसको समझने का प्रयास करते, उसको जानने का प्रयास करते, और उसको तब जानते जब हम उस चीज़ को हम क्लियर हो पाते तभी। बल्कि आज जो अंधभक्त किस्म के जो समाज में भरे पड़े हैं, उस तरह की विचारधारा हमारे में नहीं पनपती कि किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, किसी ने लिख दिया और हमने उसको पढ़ लिया और उसको मान लिया, बल्कि हम जो चीज़ पढ़ते पहले उसको उसका एविडेंस तलाशते, उसको तलाशने के बाद उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के बाद हम जब उसकी सच्चाई को परख लेते तब कहीं उसको मानते। लेकिन आज हमारी स्थिति इतनी ख़राब है कि हम ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते हैं, ना ही हमारा जो भी चीज़ें हमको बताई जाती है उसकी वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जो बातें आपको रखी कि इतिहास में जो बहुजन इतिहास को किस प्रकार मड़ोड़ा गया और मनुवाद के इतिहास को उसके जगह किस प्रकार फिट किया गया, ये जानना ज़रूरी था, और जानना ज़रूरी है कि
हम किस प्रकार के कुचक्र में फंसे हुए हैं जिसको खलनायक बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता है। वो दरअसल वो हमारे नायक थे, हमारे नायकों को हमने अपने हाथ आज हमने जानने का प्रयास नहीं किया। तो ये याद रखिए कि जो शिक्षक दिवस आज हमने मनाया या आज जो मना रहे हैं उसकी उसका श्रेय या शिक्षक दिवस के जगह पर हम बाबू जगजीवन रामदेव को कह सकते थे, कर्पूरी ठाकुर का नाम ले सकते थे, सावित्रीबाई फुले का नाम ले सकते थे, फातिमा शेख का नाम ले सकते थे, ज्योतिबाला फुले का नाम ले सकते थे, लेकिन क्या है आज हम एक मनुवादी व्यक्ति का नाम लेते हैं और ऐसे व्यक्ति का जिसका ऐतिहासिक या जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, जिस पर चोरी के आरोप लगे, प्रमाणित हुए, किताबें मौजूद हैं, आप इसकी पृष्ठभूमि चेक कर ले लें। तो ये जो जानकारियाँ मैंने आपके समक्ष रखी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आकर के उसको साझा करेंगे हमारे पास और बताएंगे कि क्या मैंने जो विचार आपके समक्ष रखे, जो मैंने बातें बताई, क्या आप उस बात से सहमत हैं। यदि सहमत नहीं हैं तो मैंने जिनका जिक्र किया, अंबेडकर का जिक्र किया या थेसिस चोरी के लेकर करके आरोप लगे थे, जिन जिन लोगों के बारे में मैंने ब्लॉगर के बारे में कहा या जो ऑल इंडिया रेडियो के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकारों के नाम लिए उस दौर के, उनके बारे में कभी आप रिसर्च कर लीजिए, आपको वो जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।